अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बहुत ही संजीदा मौजू, आज अलग ही कहिए और अहम मौजू की तरफ तवज्जो करते हैं। वैसे इस मौजू पर काफ़ी मरतबा बहुत कुछ कहा सुना जाता है, पर पता नहीं बेलगाम शहर में और ख़ासकर मुस्लिम मोहल्लों में मैंने जो देखा इससे इस मौजू पर बोलना ज़रूरी समझा। खैर, आज का मौजू हम अपने वालिद से यानी कि बाप से हुस्न सलूक क्यों नहीं करते। बाप के साथ हमारा रवैया देखने से अजीब लगता है। अभी हाल ही में हमने ईद मिलादुन नबी को मनाया, लाइटिंग, झंडे, नात, तकरीरें, बयानात बहुत हुए, पर क्या बात है कि हम किसी बात पर अमल करने के लिए तैयार ही नहीं है। आज मिल्लत को पस्ती के इंतहा में जाने के बहुत सारे वजूहत है, जिसमें से एक अपने वालिदैन की नाफरमानी कही जा सकती है। और खासकर वालिदैन बाप की बातों को ऐसे माना जाता है जैसे इसकी कुछ अहमियत है ही नहीं। कुरान हदीस में वालिद को लेकर कई वईदे इसकी अहमियत को बयान फरमाया गया है। किसी की माँ मर जाती है तो उस पर भी कई बातें हैं, पर जब किसी बच्चे का बाप मर जाता है तो उसे यतीम कहा जाता है, जिसका जिक्र कुरान ने किया है। दुनिया में वालिद से बढ़कर बेहतर मशवरा देने वाला कोई नहीं है। खैर, कहने का मतलब आज बाप को जिस तरह बिल्कुल हकारत से और यूं कहिए कि बुढ़ापे को पहुंचने के बाद इसकी तमाम कुर्बानियों को कैसे फरामोश किया जाता है, अक्सर देखने को मिलता है। कई वालिद अपने बच्चे की शिकायत लेकर आते हैं कि घर में पीटता भी है, यानी कि किस इंतहा तक पहुंच चुके हैं हम, यहाँ तक दवा गोलियां का तक ख्याल नहीं रखा जाता। आखिर इस मिल्लत का क्या हो सकता है जो अपने बाप की तक अहमियत को भूल जाने लगते हैं। मुसलमानों में अभी बुढ़ापा घर का तस्वुर नहीं है, पर जिस तरह घरों में हालात बदलते जा रहे हैं इससे भी डर लगने लगता है कि क्या वाकई नौजवान तबका और खासकर पढ़ा लिखा तबका अपने बाप की अहमियत को भूलता जा रहा है। और मस्जिदों में भी अपनी वालिदा यानी माँ के कदमों के नीचे जन्नत के बयानात अक्सर किए जाते हैं, लेकिन उस बाप पर बहुत कम बोला जाता है जो खुद धूप की तपिश में जलकर घर वालों के लिए छत का इंतजाम करता है। अक्सर लड़कियां भी जहां आजकल कॉलेज में पढ़ने जाती हैं तो इनका भी अपने बाप को लेकर किस तरह का रवैया घर में रहता है इसे भी समझने की जरूरत है। जिसका बाप बचपन में चला जाता है उसकी जिंदगी का हर लम्हा कैसे कयामत गुजरता है उस यतीम से ही पूछा जाए। और जिन्हें बाप मैसर होता है उनको उस बाप की अहमियत जर्रा बराबर भी नहीं रहती जो सुबह शाम अपने पेट को काट के घर वालों का पेट भरता रहता है। कैसे बचपन में परवरिश की जाती है, हल्की सी ठोकर लगने से जिस बाप को तकलीफ होती है उसे ही बुढ़ापे में ठोकर मार दिया जाता है। क्या बेलगाम शहर में ऐसे वाक्य नहीं है जो बाहर तो बड़े शरीफ बनकर घूमने वाले अपने बाप से क्या रवैया अख्तियार करते हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ अपने आप को दीनदार समझने वाले भी घरों में अपने बाप से नफरत का मुजाहरा करते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, अगर वालिदैन बुढ़ापे को पहुंचे और अपनी जरूरत को अपने बेटे के डर से ना कहे तो वह औलाद आसमान के नीचे सबसे बदतरीन औलाद कहा जाता। जो औलाद बाप की बातों को नहीं मानता वो दुनिया वालों की बातें सुनने पर मजबूर हो जाता है। हम देखते हैं कि अक्सर मोहल्लों में रात देर तक मोबाइल लेकर कट्टों पर बैठे नौजवान देखने को मिलते हैं। कईयों ने तो नशे का सहारा भी लिया हुआ है। नशे में वालिद को पीटने वाले इसी शहर में देखे जाते हैं। और महज एक तबका या माशरे का सिर्फ वही हिस्सा वालिदैन के साथ बदतमीजी नहीं करता, बल्कि कुछ पढ़े लिखे लोग जो बड़े ओहदों पर फाइज हैं ये भी अपने बाप से दूरियां या नफरत करते हुए देखे जाते हैं। जिसने उसे पढ़ा लिखा कर उस मकाम तक पहुंचाया ये बीमारी माशरे में बढ़ती जा रही है। कुछ तो शादी के बाद अपना रुख ही बदल लेते हैं, उसे बीवी अच्छी लगने लगती है, ठीक है बीवी से मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन ये क्या बात हुई कि जिस बाप ने उंगली थाम कर चलना लिखना पढ़ना बोलना सिखाया, दुनिया माशरे में मर्तबा तक किया, अब बुढ़ापे को पहुंचने के बाद इस तरह नफरत की उसकी मौत की तमन्ना करने लगे। क्या ये वही बाप नहीं है जो ईद के वक्त खुद कभी कपड़े नहीं सिलवाता और कहता कि मेरे अभी कपड़े अच्छे हैं। उसकी फटी हुई बनियान इस बात की दलील है कि उसने तुम्हारे पाँव में ब्रांडेड जूते पहनाने के लिए खुद टूटी हुई जूती मोज के पास जाकर रिपेयर करता रहा, स्कूल कॉलेजेस की फी के लिए कितने लोगों के पास जाकर आता रहा, और जब तुम पढ़ लिख कर बड़े हुए तो फिर किसी भी चीज का बात का एहसास नहीं रहा। फिर ये माशरा दुनिया में जलील क्यों कर नहीं होगा। महज लड़कों का नहीं लड़कियों का भी यही मामला है। एक बड़े तबके को वालिदैन की किसी तरह इज्जत मोहब्बत नजर नहीं आती। अमीर हो या गरीब तकरीबन जगहों पर ये मामला खुलकर देखा जा रहा है कि कई बापों को आखिर पुलिस थानों में फरियाद दर्ज करनी पड़ रही है। क्या अब इस हद तक ये नौजवान नस्ल बेहिस होती जा रही है कि उन्हें बचपन का कोई भी बाप का अमल याद ना आया हो। कॉलेज पढ़ने जा रही लड़कियां गैरों का साथ भागने की वारदातें बढ़ चुकी है। मैं खुद कई जगहों पर जाकर लड़कियों से बात करने की कोशिश की लेकिन टस से मस होते नहीं देखा, आखिर मुर्तद हो गई। क्या यही दिन देखने के लिए तुम्हें वालिदैन ने पाल पोस कर बड़ा किया था ताकि उनके मुंह पर तुम कालिक पहुंचते रहो। बेबस माँ बाप को लड़की के सामने हाथ जोड़ते पांव पड़ते देखा है,
माशरे की तस्वीर बड़ी भयावह है। आज भी कई बाप अपने छोटे बच्चों को छिप कर कुछ खिलाते होंगे, क्या उस बच्चे को मालूम है कि उसका बाप किस हाल में लाकर ये खिला रहा है। बड़े होने के बाद बाप को गाली देना बहुत आसान है, और हकीकत में देखा जाए तो बुढ़ापा आता ही है इम्तिहान बनकर। जिंदगी का तमाम हिस्सा तो गुजर जाता है, पर बुढ़ापा उसकी जिंदगी का हिसाब लेता रहता है। जितनी तेजी से जिंदगी का अक्सर हिस्सा गुजर जाता है, उतने ही धीरे धीरे लम्हात बुढ़ापे के कटने लगते हैं। कई तो मजबूरी में मस्जिद का रुख कर लेते हैं, क्योंकि घरों में इनकी कितनी कदर होती है सभी को मालूम है। अब तो छोटे छोटे बच्चे, पोते, नवासे, वालिदैन किस तरह नाना दादा के साथ रवैया रखते हैं, उसी तरह छोटे बच्चे भी बर्ताव करने लगते हैं। अगर नाना दादा के साथ बदकलामी भी करता है तो उसे फक्र से देखा जाता है। इतना तो जरूर है कि माशरे में बाप के साथ जो रवैया मौजूदा नस्ल कर रही है, फिर चाहे बेटा हो या बेटी, यकीनन सोचने पर मजबूर कर देने वाला है। यहाँ बाप को लेकर कुछ बातें यूं अर्ज की गई है, घर जाकर बच्चों को चुपके से खिलाया होगा, उनको क्या मालूम कि किस हाल में कमाया होगा। पैकर था वफा का, मोहब्बत का खुदा था, चाहत के खजाने थे हर लफ्ज में उसके, दामन मेरा उसने दुआओं से भरा था, मुझको नहीं देखा कड़ी धूप ने छू कर, बाप मेरा दुनिया में मुझको ऐसा मिला था। जिंदगी में जो लम्हे बाप की छाँव में गुजारे थे, वही लम्हे थे जो अनमोल थे। बोझ ईंटों का और बढ़ा दो साहब, आज मेरे बच्चों ने एक फरमाइश की है, यतीमी साथ लाती है जमाने भर के दुख, सुना है बाप जिंदा हो तो कांटे भी नहीं चुभते। वो आशना हर कर्ब से रहा, हर दम जो खुलकर रो नहीं पाया, सिसकता था जुड़ी थी इसकी हर एक हाँक फकत मेरी हाँ से, ये बात सच है मेरा बाप कम न था माँ से। हर वो दर्द खुद ही चुपचाप सहता था, तमाम उम्र वो अपने उससे कट के रहता था, वह लौटता था कहीं रात को देर से के दिन भर वजूद इसका पसीने में ढल के बहता था। पुराने कपड़े पहनता था, कम खाता था, पर खिलौने तमाम खरीद के मेरे लाता था। वह मुझे सोए हुए देखता था, जी भर के न जाने सोच के मुस्कुराता था। और भी कई कीमती बातें हैं और अक्सर सुनते भी रहते हैं, पर हमने अक्सर यह देखा है कि मरने के बाद इनकी कीमत मालूम होती है, एहसास भी होता है, और वो भी वक्ती, फिर कब्रस्तान जाकर कब्र धो धोकर दुआएं मांगने की कोशिश भी करते हैं। हम देखते रहते हैं बेलगाम शहर के अंजुमन के कब्रस्तान में कई लोग कब्रों को धोते रहते हैं। जब जिंदा रहते हैं तो उनकी फिक्र नहीं होती, उनकी कदर नहीं होती, फिर दुआएँ भी धीरे धीरे कम होने लगती हैं, और सिर्फ ईद को एक बार कब्रस्तान जाने लगते हैं। मरने के बाद वक्ती अफसोस करके हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। सभी को इस दुनिया से जाना है, आज इनकी तो कल हमारी बारी है। जिनके भी घर में बुजुर्गों का कयाम है, इनकी अहमियत को समझे और इनकी कुर्बानियों को याद करें, क्योंकि ये दुनिया का चक्कर भी अजीब है, ये हम पर भी लौटने वाला है। बाप की नाराजगी जहन्नम का सबब बन न जाए, बहुत सख्त हालात से परवरिश किए इन्होंने, इसका थोड़ा सा पास लिहाज रखो। दुनिया और आखरत की कामयाबी इसी में है, और खासकर अपने बाप की इज्जत करो, यही आज का पैगाम। तीसरा रेलवे गेट ब्रिज का आज अचानक इफ्तिताही इजलास अमल में आया। इत्तला के मुताबिक एमपी मंगला अंगड़ी के हाथों आज इफ्तिताह अमल में आई। वाज़ह रहे इसकी शुरुआत सुरेश अंगड़ी के हाथों हुई थी, पर ब्रिज मुकम्मल होने के बाद आज इसकी इफ्तिताह अमल में आई। कुछ कन्नड़ तंजीमों ने पुनीत राजकुमार का नाम देने की मांग की थी, लिहाजा इसकी इफ्तिताह कब होगी ऐसी चर्चा भी थी। अचानक आज इफ्तिताही इजलास अमल में आया और आवाम के लिए ब्रिज को खुला कर दिया गया। इस वक्त भाजपा के कई जिम्मेदारान मौजूद थे। अभी 5G की शुरुआत भी नहीं हुई, लेकिन 5G के जरिए फ्रॉड करने वाले सरगर्म हो चुके। अब 4G जाकर 5G तो आने वाला है, लेकिन साइबर मुजरिम इंतजामिया से भी आगे निकलकर फ्रॉड करना शुरू कर चुके हैं। लिहाजा कमिश्नर बेलगाम डॉक्टर एस बोरलिंगिया ने आवाम से गुजारिश की है कि कोई भी 5G को लेकर OTP पूछ सकता है, पर किसी को भी OTP शेयर न करे। 5G के जरिए फ्रॉड के मामले हो सकते हैं, जिसे रोकने का ऐलान इंतजामिया की जानिब से किया गया। आज आशा कारकुनान की जानिब से एहतजाज किया गया और DC बेलगाम को मुतालबा पेश किया गया। इनकी मांग ये है कि महीना तनख्वाह सही दे दी जाए और 12,000 रुपये तनख्वाह की जाए। लिहाजा सैकड़ों की तादाद में सरदार ग्राउंड से एहतजाजी जुलूस शुरू होकर बेलगाम DC दफ्तर तक पहुंचा और फिर जुलूस इजलास में तब्दील हो गया। बेलगाम जिला आशा कारकुनान तंजीम ने इस एहतजाज का एहतमाम किया था। ईद मिलादुल नबी को बेलगाम शहर बड़े धूमधाम से मनाया गया, रोशनाई हर जगह की गई थी, और खासकर अनगोल ताज ग्रुप हजरत ख्वाजा गरीब नवाज यंग कमेटी की जानिब से बेहतरीन रोशनाई का भी मुजाहरा किया गया। ताज ग्रुप के नौजवानों को मुबारकबाद पेश की जा रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।